नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बायोग्राफी सीरीज के एपिसोड 18 में। आज हम बात करेंगे हास्य कलाकार असरानी जी के बारे में, जो अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। गोवर्धन असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1940 जयपुर राजस्थान में हुआ था। असरानी जी भारतीय फिल्म के कॉमिक अभिनेता हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज से पूरी की। कई सालों तक बतौर रेडियो आर्टिस्ट और वॉइस आर्टिस्ट के तरह ऑल इंडिया रेडियो में काम किया असरानी जी ने। उनका मेन फोकस एक्टिंग ही था। 1964 में असरानी जी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया। 1966 में इन्होंने कोर्स पूरा किया और 1967 में इनको एक गुजराती फिल्म में ब्रेक मिला। इन्होंने हिंदी फिल्म में हरे कांच की चूड़ियां से हिंदी फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत की। इनकी मुख्य फिल्में हैं बंटी और बबली, सल्लू की शादी, मस्ती ज्यादे, जोकर, यमला पगला दीवाना फिर, बॉडीगार्ड, खट्टा मीठा, दे दनादन, भूल भुलैया ढोल, वेलकम आदि फिल्में हैं। शोले फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर भूमिका में इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। असरानी जी ने 300 से अधिक हिंदी व गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो इन्होंने मंजू बंसल ईरानी से शादी की है। फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक दुनिया में भी इन्होंने खूब नाम कमाया। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा की थी। इन्हें फिल्म आज के ताज़ा खबर जो ईयर 1973 में आई थी और बालिका वधु जो ईयर 1976 में आई थी, उसके लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने बॉलीवुड कॉमेडी को एक नई दिशा दी है, जिसके लिए इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अब सरल भारत न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।